दोस्तों नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरपीएफ एसआई 16 जनवरी 2019 किप दूसरे का क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लंदन में। किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठा हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है। ऑप्शन डी, यूरिनिया कहलाती है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, 245। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइनडाई शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन सी, अनिश्चित काल के लिए। यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, स्टेपी कहलाता है। अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शन डी, मदुरे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? ऑप्शन सी, यह संविधान के अनुसार हो सकता है। निम्न में से किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है? ऑप्शन सी, उबेर कप। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए, 2006 में। सरकारी आय क्या राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय कहलाता है? ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति अंतराल। एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए, फरवरी से मई। क्राउच स्टार्ट किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित शब्द है? ऑप्शन ए, स्प्रिंट। डैश नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सम विभव तल। जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई वृद्धि कहलाती है? ऑप्शन बी, अनुनाद। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, पतझड़। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब हुआ? ऑप्शन सी, 1997 में। निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन सी, शाहीवाला। मोरको का यात्रा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं, ऊर्जा का यह रसायन कहलाते हैं? ऑप्शन सी, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए, पैराग्वे। प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया? ऑप्शन बी, एशियाई खेल संघ। भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं को दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन डी, 6। किताब उल रिहाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए, इब्न बतूता। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन बी, मालदीव से। वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? ऑप्शन बी, वर्धक। निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन सी, कांडाला। देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास डैश द्वारा किया जाता है? सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली। मूल अधिकार कौन से है? ऑप्शन सी, बुनियादी प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार। किसी विरल माध्यम में कम यात्रा में इलेक्ट्रोलाइट का उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन डी, पैप्टीकरण। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी, 552। किस धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, कार्य फंक्शन। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। तृतीया कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, भूरा कोयला।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन डी कोचीन। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से डैश तक जाता है? ऑप्शन बी कोलकाता तक। वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखता है तो इसका क्या मतलब है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निष्कासन। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः डैश के द्वारा संपन्न होती है? ऑप्शन ए एस्ट्रोमेटा के द्वारा। जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन सी पारसी धर्म से। महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला? ऑप्शन बी 1900। संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन सी स्थगन। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई? ऑप्शन सी 1952 में। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है? ऑप्शन ए प्रकाश मंडल। किसी अवकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगठनों की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन बी संगठ आवृत्ति। 50वां क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ? ऑप्शन डी 3 जनवरी से। तो दोस्तों हमारा 50 GK खत्म हो गया, इसके बाद 35 रीजनिंग और 35 मैथ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।